नमस्कार, मैं प्रज्ञा धद 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची से लिचमिस और ड्राई फ्रूट तैयार होगा। मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास ने लीची से ड्राई फ्रूट और लिचमिस बनाने की दो तकनीक के पेटेंट के लिए केंद्र सरकार को आवेदन दिया है। इस तकनीक से 3 किलो लीची से 1 किलो ड्राई फ्रूट और 4 किलो से 1 किलो लिचमिस तैयार होगा। खास बात यह है कि इन दोनों उत्पादों को 1 वर्ष तक आसानी से घर में रखा जा सकेगा। सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित 5 उप योजनाओं वाली पृथ्वी विज्ञान पहल को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। 2021-26 की अवधि में इस पर 4,797 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पहल से अनुसंधान को बल मिलने और पृथ्वी विज्ञान से संबंधित अलग अलग उप योजनाओं के लिए आवंटित धन का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। इस योजना में वर्तमान में चल रही 5 उप योजनाएं शामिल हैं। नेशनल हाईवे पर गलत दिशा से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती होगी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को सभी थानेदारों को लगातार पेट्रोलिंग करने एवं दोषी चालकों पर कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ ने एनएच से संबंधित मामलों पर शुक्रवार को सुनवाई की, जिसके बाद यह आदेश दिया गया है। सरकारी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को GST से एक और नोटिस मिला है। LIC को मिला यह नोटिस एक डिमांड नोटिस है, जिसमें GST डिपार्टमेंट की ओर से 663 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार LIC को यह नोटिस CGST एंड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर चेन्नई नॉर्थ कमिश्नरेट के ऑफिस से मिला है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले कक्षा 1 से 12वीं के वैसे विद्यार्थी जो 2 सप्ताह से अधिक दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं, वैसे बच्चों को स्कूल से नाम काटने का सिलसिला जारी है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 माह में राज्य भर में 23,90,673 बच्चों का नाम काटा गया है। हालांकि इनमें वैसे बच्चे भी है जिनके अभिभावक ने शपथ पत्र देकर दोबारा नामांकन सुनिश्चित करा लिया है। देश के 21 राज्य इसी वर्ष मच्छर जनित रोग मलेरिया से मुक्त होंगे। बाकी राज्यों को 2025 से 2027 के बीच घोषित किया जाएगा। 2027 तक 5 चरणों में भारत को मलेरिया से मुक्त कराने की योजना केंद्र सरकार ने तैयार की है, जिसे राज्यों के साथ साझा किया जाएगा और मलेरिया फ्री फ्यूचर की अपील की जाएगी। अभी पुडुचेरी और लक्षद्वीप में बीते 1 साल से भी ज्यादा समय से मलेरिया का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। बिहार के प्राथमिक स्कूल के करीब 10,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार पहल करने जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। बताते चले कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत बीएड डिग्री धारी नियोजित शिक्षकों को अयोग्य ठहरा दिया था। पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बीएड डिग्री धारी नियोजित शिक्षक प्राथमिक स्कूलों के लिए योग्य नहीं है। म्यूचुअल फंडों के द्वारा प्रबंधित संपत्ति में भारत के टॉप 10 फंड हाउस का हिस्सा लगातार कम हो रहा है। हिस्सेदारी में कटौती के बाद भी इन म्यूचुअल फंड के पास कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट में एक बड़ा हिस्सा है, मगर पिछले कुछ वक्त में इसमें कमी आई है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 सालों के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। अंतरिक्ष में सूर्य अध्ययन के लिए कृत्रिम ग्रहण बनाया जाएगा। इसके लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रवा 3 मिशन सितंबर में भारत के PSLV पर लॉन्च होगा। इस अभिनव मिशन में 2 छोटे सैटेलाइट, 1 कोरोनाग्राफ और 100 डिस्क आकार का ऑकल्टर शामिल है, यह जो लगभग 150 मीटर की दूरी पर उड़ान भरेंगे। यूरोपियन एजेंसी ने कहा कि मिशन एक कृत्रिम ग्रहण बनाने के लिए 2 उपग्रहों के बीच उड़ान भरेगा। यह कोरोनाग्राफ के टेलीस्कोप पर अपनी परछाई डालेगा, इससे सूर्य का सीधा प्रकाश अवरुद्ध हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पूरे देश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 2 साल की बीएड की मंजूरी देने बंद कर दिया गया है। इसको लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि शिक्षक शिक्षा ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें बीएड कार्यक्रम को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है और 2 साल की बीएड की मंजूरी देना बंद कर दिया गया है। रबी सीजन 2024 की बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 16,51,000 हेक्टेयर में फसलों की बुआई नहीं हो पाई है। इसमें दलहन की बुआई सबसे अधिक पिछड़ी है। इसका कारण भी मौसम में बदलाव को माना जा रहा है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023 के दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक कुल 629.65 लाख हेक्टेयर में ही रबी फसलों की बुआई हुई है, जबकि 2022 में दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक 646.16 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शुक्रवार को एक अहम पड़ाव पार कर लिया। महज 50 दिन के भीतर 29 राज्यों में इस यात्रा से 10 करोड़ से अधिक लोग जुड़ गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे विकसित भारत की ओर बढ़ता कदम बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हम सभी के सामने रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए 15 नवम्बर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को तगड़ा झटका लगा है। उनके साथ बिजनेस में 15 करोड़ रुपए को कथित फ्रॉड हुआ है, जिसे लेकर उन्होंने अपने एक पूर्व बिजनेस पार्टनर के खिलाफ केस फाइल किया है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार धोनी के साथ यह कथित फ्रॉड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने किया है। इसे लेकर अब आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ मामला फाइल हुआ है। भारत में अब डिजिटल पेमेंट का बोलबाला है। फल सब्जी से लेकर किराना स्टोर तक हर किसी को UPI से पेमेंट की जा सकती है। बढ़ते डिजिटल पेमेंट के दौर में ट्रैफिक पुलिस ने भी डिजिटल होने का रास्ता अपना लिया है। देश के कई शहरों में ट्रैफिक चालान का भुगतान आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रैफिक चालान भरने की ऑफलाइन सुविधा अब भी उपलब्ध है। इसके लिए आपको उस ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाना होगा जिसके एरिया में आपकी गाड़ी का चालान हुआ है।
महाराष्ट्र रेरा के अनुसार नया नियम मकान खरीदारों के लाखों रुपए बचाएगा। अभी तक बिल्डर मकान कैंसिल कराने कुल रकम को 10% वसूल लेते थे, अब इस रकम को सीमित करके सिर्फ 2% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि किसी ने मकान की बुकिंग कैंसिल कराई तो उसे कुल कीमत का सिर्फ 2% पैसा ही बिल्डर को नुकसान के तौर पर देना पड़ेगा। महरेरा ने एक आदेश में कहा था कि बिल्डर और मकान खरीदार के बीच इस तरह के करार रद्द होने पर 10% राशि वसूलना जाना पूरी तरह से अनुचित है। देश के अलग अलग हिस्सों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं साल दर साल बढ़ रही हैं। हालांकि आग की घटनाएं गर्मी के मौसम में अधिक होती हैं, लेकिन 10 साल सर्दियों में ऐसी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण के मुताबिक 1 नवंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 के बीच उत्तराखंड में 1006 आग लगने की घटनाएं हुई हैं, जो पिछले साल की तुलना में दोगुनी है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किए गए सुधारों को स्वीकार करते हुए आखिरकार रघुराम अय्यर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। चयन प्रक्रिया के बाद रघुराम अय्यर के नाम पर मुहर लगी है। वह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष और IOA के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे का स्थान लेंगे, जो CEO का अस्थायी प्रभार संभाल रहे थे। सेवा क्षेत्र की गतिविधियां बेहतर आर्थिक परिस्थितियों और सकारात्मक मांग के दम पर दिसंबर में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मौसमी रूप से समायोजित HSBC इंडिया भारत सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक दिसंबर में 59 पर पहुंच गया। खरीद प्रबंधक सूचकांक का 50 से ऊपर रहने का मतलब गतिविधियों में तेजी बनी हुई है। 50 से कम अंक आशय कमजोर से होता है। यह सर्वेक्षण सेवा क्षेत्र की 400 कंपनियों के साथ सवाल जवाब पर आधारित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया आज महाशक्तियों को संतुलित करने के लिए भारत जैसा देश चाहती है। विदेश मंत्री बेंगलुरु में PES विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की विदेश नीति, कश्मीर मुद्दे और अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स पर अपने विचार लिखे। विदेश मंत्री ने कहा कि आज भारत की खास दुनिया में लगातार बढ़ रही है। आज दुनिया वास्तव में स्थापित शक्तियों को संतुलित करने के लिए हमारे जैसा देश चाहती है। जनता और हितधारक प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 PRP के तहत पंजीकरण नियम 2024 के लिए 4 फरवरी तक सुझाव दे सकेंगे। प्रेस व पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम के अधिसूचित होने के बाद नियमों के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रस्तावित मसौदा जनता की राय सुमारी के लिए पेश किया है। इसके तहत प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम प्रस्तावित है। कनाडा के सरे में हिंदू समुदाय के लोगों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू समुदाय के लोगों ने मौजूदा कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की और समुदाय के लोगों को मिल रही फिरौती की धमकियों पर भी चिंता जताई। विरोध प्रदर्शन का आयोजन वैदिक हिंदू कल्चरल सोसाइटी ने किया। कनाडा में हाल के समय में हिंदू मंदिरों पर हमले की कई घटनाएं हुई। वही बीते 27 दिसंबर को कनाडा में लक्ष्मी नारायण मंदिर समिति के अध्यक्ष सतीश कुमार के बेटे के घर पर फायरिंग की घटना हुई। इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो उत्तरी अरब सागर में मालवाहक जहाज MV लीला नॉर्ड फॉक को लुटेरों के चुंगल से छुड़ा लिया है। जानकारी के अनुसार जहाज पर सवार सभी 21 लोगों को बचा लिया गया है। इस ऑपरेशन के कई वीडियो इंडियन नेवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए हैं। इंडियन नेवी को सूचना मिली थी कि उत्तरी अरब सागर में 5 से 6 बंदूकधारी लुटेरे जहाज पर सवार है। इसके बाद INS चेन्नई और समुद्री गश्ती विमान P8I जहाज को बचाव अभियान के लिए रवाना किया गया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 77% व्हीकल्स पर प्रॉपर नंबर प्लेट नहीं थी। या तो वे लोग फैंसी नंबर प्लेट यूज कर रहे थे या फिर नियम विरुद्ध नंबर प्लेट वाहनों पर लगी थी। RTO के अधिकारियों के अनुसार कुछ व्हीकल ओनर पर अपने वाहनों में फैंसी नंबर प्लेट और कमर्शियल वाहनों में पीली नंबर प्लेट की जगह सफेद नंबर प्लेट लगाकर संचालन किया जा रहा है, जो कि मोटरयान नियमों का उल्लंघन है। देश भर में करोड़ों पेंशनर्स को साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। आमतौर पर सरकार पेंशनरों को अक्टूबर और नवंबर में सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डेडलाइन देती है, लेकिन रक्षा पेंशनरों के लिए इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। डिफेंस के पेंशनर अब अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र 31 जनवरी 2024 तक जमा कर सकते हैं। पहले इसकी तारीख 30 नवम्बर 2023 तक थी। तिस्ता और अन्य नदियों के जल बंटवारे पर अगर कोई निर्णायक स्थिति बन जाती है तो बांग्लादेश में कृषि और जल आधारित रोजगार मिलने लग जाएंगे। फलस्वरूप भारत में घुसपैठ थमने की उम्मीद की जा सकेगी। दोनों देशों को संधि के उपरांत संयुक्त रूप से बाढ़ और सूखे की आपदा से निपटने के लिए उपाय तलाशना भी आसान होगा। मगर तिस्ता के विकास को लेकर चीन का दखल सामने आता है तो जल बंटवारे की संभावना लंबे समय तक खटाई में पड़ जाएगी। देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 774 नए मामले सामने आए और 2 संक्रमितों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में COVID-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,187 हो गई है। मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु और गुजरात में COVID-19 के 1-1 मरीज की मौत हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि चलन से वापस किए जा चुके 2,000 रुपए के नोट डाकघरों की मदद से भी बदले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के एक समूह में कहा कि लोग अपने बैंक खाते में राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी डाकघर से उसके 19 कार्यालयों में से किसी को भी 2,000 रुपए के नोट भेज सकते हैं।
वैश्विक स्तर पर होने वाले 3 ओलंपिक क्वालिफायर में से एक का आयोजन झारखंड में होगा। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर स्पर्धा 13 से 19 जनवरी 2024 तक झारखंड की राजधानी रांची के मारंगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में होगा। इसके लिए झारखंड FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के लिए तैयार है। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के अपने मैच में भाग लेने के लिए इंडिया, इटली और यूएसए की महिला हॉकी टीम रांची पहुंच चुकी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से शुक्रवार को बड़ा निर्णय लिया गया है। बाजार नियामक द्वारा निकट शॉर्ट सेलिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हालांकि शॉर्ट सेलिंग अभी की जा सकती है, लेकिन इस स्थिति में सेटलमेंट के समय शेयरों की डिलीवरी देनी होगी। शॉर्ट सेलिंग का आशय उस शेयर के बचने से है जो सौदे के समय विक्रेताओं के पास होता नहीं है। इसके अलावा सेबी की ओर से संस्थागत निवेशकों को द्वारा की जाने वाली डे ट्रेडिंग और इंट्रोड ट्रेड पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई अगले सप्ताह नई दिल्ली की यात्रा करेंगे और वहां वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ अमेरिका भारत व्यापार नीति फोरम की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगी। राजदूत कैथरीन 12 से 14 जनवरी तक भारत की यात्रा करेंगे और पीयूष गोयल के साथ बैठक से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगी। कैथरीन अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, रवि शंकर, धनंजय कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अंकिता मूर्ति, नोनो गोलू कुमार, अनवर करीम खान, नौशद राजा, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा भारतीय क्रिकेटर कौन है? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।